आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने ट्री का इनपुट लेवल वाइज लें। ठीक है, पहले कैसे कर रहे थे हम? पहले कैसे कर रहे थे? रिकर्सिव ले रहे थे। ठीक है, पहले इसका ले लिया, इसका ले लिया। जैसे हमें लेट से ये ट्री बनाना था, ठीक है, कुछ ये ट्री बनाना था, लेट सपोज करो। तो पहले कैसे ले रहे थे हम? पहले ले रहे थे कि भाई पहले इसकी बताओ, फिर मैं इस सब ट्री को पूरा बना के आऊंगा, फिर मैं इस सब ट्री को पूरा बना के आऊंगा, फिर मैं इस सब ट्री को पूरा बना के आऊंगा। ठीक है, तो कैसे कर रहे थे मूव? हम ऐसे कर रहे थे कि पहले इसको इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर वापस 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 फिर वापस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर वापस, फिर वापस, फिर इसको बनाएंगे, फिर वापस। ठीक है, तो कुछ ऐसे बना रहे थे हम पहले रिकर्सिवली। ठीक है, अब हम कैसे चाह रहे हैं कि इस ट्री को ऐसे ना बना के, मतलब ट्री तो एट द एंड यही बनेगा, पर लेवल वाइज बनाएंगे। ठीक है, मतलब पहले ये नोड बनाएंगे, फिर इस लेवल पे, सेकंड लेवल पे ये नोड्स हैं तो पहले इनको बनाएंगे, फिर थर्ड लेवल पे ये नोड्स हैं तो फिर इनको बनाएंगे, फिर फोर्थ पे ये है तो इनको बनाएंगे, फिफ्थ पे ये है तो इनको बनाएंगे। ठीक है, तो लेवल वाइज हम ट्री अपना कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो ये कैसे करेंगे हम? ये कैसे करेंगे? चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ये सब हम करने वाले हैं यूजिंग अ क्यू। ठीक है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम फॉर टेकिंग अवर इनपुट इन लेवल वाइज। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। लेट से हमको ये ट्री बनाना है, 1 2 3 4 5 6। लेट से हमको ये ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। यूजर बताएगा हमको कि मतलब ये इनकी वैल्यूज, और हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरह से कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक क्यू बना लेंगे। ये क्यू बन गई हमारी। ठीक है, ये क्यू बन गई। किस टाइप की? ट्री नोड टाइप की क्यू बन गई। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम, ये हमारी लेवल वन है, ये लेवल टू है, ये लेवल थ्री है, तो लेवल वन वाली नोड्स को बनाएंगे। चलो, तो लेवल वन में क्या है? रूट वन। तो हम क्या कहेंगे? एक नोड बनाओ और उसको इसमें डाल दो, विच इज इक्वल टू वन। ये हमारा पहला काम हो गया, ये इट इज अवर स्टेप वन। अब क्या करेंगे देखो, पॉप करेंगे फ्रंट से क्यू के। कर दिया पॉप, ये हमने रख लिया यहाँ पे। अब इससे पूछेंगे यूजर से, भाई जो ये नोड नंबर वन है इसके कितने चिल्ड्रन है? यूजर बोलेगा भाई तीन चिल्ड्रन है इसके। तो अच्छा, कौन कौन से चिल्ड्रन है? चिल्ड्रन है इसके 2 3 और 4। ओके, तो बना देंगे 2 3 एंड 4, और इन 2 3 एंड 4 की नोट्स हम इसमें डाल देंगे, इनका एड्रेस यहाँ डाल देंगे, 2 3 एंड 4 यहाँ डाल देंगे। फाइन, अभी पहले यहाँ पे वन भी था, वो हमने यहाँ से डी क्यू कर लिया। ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे। अब हम निकालेंगे यहाँ से फ्रंट से आप पहली नोड, हमने फ्रंट से पहली नोड निकाली, विच इज इक्वल टू 2। तो ये थी वो नोड, पहली नोड। ठीक है, अब हम पूछेंगे जो यार यूजर की नोड नंबर 2 है इसके कितने चाइल्ड हैं? तो एक्चुअली में इसका एक भी चाइल्ड नहीं है। तो यूजर बोलेगा इसके तो भैया 0 चाइल्ड है, इसका एक भी चाइल्ड नहीं है। तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे, फिर हम नेक्स्ट नोड निकालेंगे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अवर क्यू, तो विच दिस इज नोड नंबर 3। तो नोड नंबर 3 कहाँ है? ये रही। अब हम पूछेंगे भाई ये जो नोड नंबर 3 है यूजर से, इसके कितने चिल्ड्रन है? बोलेगा भाई इसके तो 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, 2 चाइल्ड हैं इसके, विच आर 5 एंड 6। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 एंड 6 कनेक्ट कर देंगे, और 5 और 6 का एड्रेस यहाँ क्यू में डाल देंगे ऐसे करके। ठीक है, चलो अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं हम? अब पोल करेंगे 4 को, आई मीन डी क्यू करेंगे 4 को। तो 4 से पूछेंगे 4 के कितने चाइल्ड हैं? 4 का एक भी चाइल्ड नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। अब हम पोल करेंगे 5 को, आई मीन डी क्यू करेंगे 5 को। 5 के कितने चाइल्ड हैं? कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। 6 को करेंगे, कुछ भी नहीं है इसके भी चाइल्ड, तो कुछ नहीं करेंगे। और हमारी क्यू हो गई है एम्प्टी, और हमारा ट्री हो गया है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, और इस बार जो हमारा ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ, देखो पहले कौन सी बनी थी? ये, फिर 2 3 4। ठीक है, ये नोड बन गई थी, फिर उसके बाद बनी थी 5 6, है ना? इसी तरह से तो हमारी नोड बनी है ना, पहले लेवल 1 की नोड बनी, फिर लेवल 2 की नोड बनी, फिर लेवल 3 की नोड बनी। तो इसे कहते हैं हम लेवल वाइज। ठीक है, इनपुट लिया हमने लेवल वाइज, इसी तरह हम प्रिंट भी कर सकते हैं लेवल वाइज। तो इस वीडियो में मैं आपको करके बताऊंगा कि हम इनपुट कैसे लेते हैं लेवल वाइज, और आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका कोड समझ में आ गया जो मैं करने वाला हूँ, तो आप प्रिंट भी बहुत ईजिली कर लोगे। ठीक है, मुझे पता है आप कर लोगे बहुत ईजिली। ठीक है, तो चलो आप फटाफट से देखते हैं कि हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, लेवल वाइज इनपुट का कोड कैसे लिखेंगे। उससे पहले रब कर देते हैं। चलो
तो कोड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, पहले सिंपल इनपुट ले रहे थे, अब सिंपल इनपुट ना लेके क्या करेंगे हम, लेवल वाइज लेंगे, ठीक है। चलो तो इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, टेक इनपुट लेवल वाइज, ठीक है, लेवल वाइज लेंगे। चलो ये फंक्शन बना देते हैं फटाफट से, सॉरी क्रिएट फंक्शन, ओके पब्लिक ही रख लेते हैं इसको, और ये हमने बना लिया फंक्शन अभी के लिए, ओके। अच्छा इसमें हमको क्या चाहिए, इस फंक्शन में क्या चाहिए? अच्छा उससे पहले, सबसे पहले स्कैनर, देखो सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्या, एस, ठीक है, ये हमारा काम हो गया क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे कि भाई रूट का डाटा क्या है यूजर से ले लो, ठीक है। इंटीजर टाइप की बना रहे हैं तो नेक्स्ट इंट कर देते हैं, ठीक है, ये काम भी हो गया। अब हमारा काम क्या है, एक क्यू चाहिए हमको, ठीक है। तो क्यू कैसे कैसे ले सकते हैं हम, सी हमने क्यू अपनी खुद की इंप्लीमेंट कर रखी है, ठीक है, क्यू अपनी खुद की इंप्लीमेंट कर रखी है। ये देखो हमने क्यू इंप्लीमेंट करी थी यूजिंग एरे, आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी जरूर, और क्यू यूज इंप्लीमेंट करी थी यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो आप इनमें से कोई सी भी क्यू ले सकते हो, खुद की बनाई हुई है ना, कितना ग्रेट है ये, आप खुद ही की क्यू बनाई हुई यूज कर रहे हो अपने ट्री के क्वेश्चन में। बट मैं इसमें अभी सॉल्व करने के लिए जावा की इनबिल्ट जो क्यू है वो लेने वाला हूँ। आप चाहे तो वो भी ले सकते हो जो हमने खुद बना रखी है, मैं इनबिल्ट ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा दूँ कि इनबिल्ट कैसे लेते हैं। आप, मैं चाहता हूँ कि जब आप खुद से ये कोड करो तो आप अपनी खुद की बनाई हुई क्यूज इधर इस पैकेज में कॉपी कर लेना, या सेम पैकेज में कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है। खुद की बनाई हुई क्यूज जो आपने या तो एरे से इंप्लीमेंट करी है या लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करी है वो ही यूज करना, ठीक है। मैं अभी जावा की इनबिल्ट क्यू यूज कर रहा हूँ, ओके। तो जावा की इनबिल्ट क्यू जो यूटिल फंक्शन में पड़ी हुई थी उसे कैसे कैसे लेंगे हम, एक क्यू क्लास होती है, जनरिक ही होती है जैसे हमने बनाई थी सेम टू सेम वैसी, इसका नाम रख देते हैं पेंडिंग क्यू, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया पेंडिंग क्यू, और ये इन्होंने लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रखी है, ठीक है। जावा ने ये लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रखी है जैसे सेम हमने इंप्लीमेंट करी थी यहाँ पे, ठीक है, जैसे सेम हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखी है। जावा ने भी कुछ कुछ वैसे इंप्लीमेंट कर रखी है, अगर आप चाहो तो जावा के ये क्लासेस खुद पढ़ सकते हो जो उसने इनबिल्ट अपने कर रखी है, यूटिल फंक्शन यूटिल में जाके, जावा डॉट यूटिल में जाके आप देख सकते हो कि ये जो क्यू क्लास है ये कैसे इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो अभी ये मैं इनबिल्ट क्लास ले रहा हूं, आप अपनी खुद की क्लास इंपोर्ट करना, खुद की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज करना, ठीक है। चलो लेट मी रब दिस। अच्छा हमने क्यू ले ली विच विल स्टोर द एड्रेस ऑफ पेंडिंग नोट्स, ठीक है, और पेंडिंग नोट्स, ओके, इट शुड बी पेंडिंग नोट्स राइट, नॉट अ पेंडिंग क्यू, ओके। चलो अब क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले अपना रूट नोड बना लेते हैं, ठीक है। रूट नोड क्या होगा, ट्री नोड जो हमने क्लास बनाई थी इंटीजर टाइप की बना लेते हैं इसको, और ये रूट नाम रख देते हैं, ठीक है, और ये हमने बना लिया अपनी रूट नोड। इसके अंदर डाटा क्या डालेंगे जो अभी हमने लिया है यूजर से, ठीक है। चलो ये कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, ये जो पेंडिंग नोड की क्यू है ना इसमें ऐड कर दो, ऐड कर दो क्या, रूट। अच्छा एक चीज हो सी, क्या आ रहा है, पेंडिंग नोड एरर आ रहा है, कुछ देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अच्छा ये हमने जो देखो हमने जो क्यू बना दी है गलती से इंटीजर टाइप की बना दी, ये ट्री नोड टाइप की बननी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये ट्री नोड ही तो अपने अंदर डालेगा ना, तो ये ट्री नोड टाइप की बननी चाहिए ना कि इंटीजर टाइप की, ट्री नोड इंटीजर टाइप की है राइट। तो चलो ये एरर हट गया। और दूसरी चीज जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, दूसरी चीज है ये डॉट एड फंक्शन। सी जो हमने इनबिल्ट क्लास जो हमने खुद की इंप्लीमेंट करी थी क्यू, उसमें दो फंक्शन बनाए थे ना हमने, एन क्यू, ठीक है, एन क्यू में हम जब कुछ एन क्यू करते हैं, और डी क्यू, याद होगा तुमको अच्छे से है ना। तो जो जावा ने इंप्लीमेंट कर रखी है उसने इस NQ का नाम रख रखा है एड, और इस DQ का नाम रख रखा है पॉल, ठीक है, उन फंक्शन का नाम बस चेंज कर रखा है, फंक्शन सेम ही है, मतलब फंक्शन काम सेम ही करेंगे। तो NQ की जगह मैं डॉट एड करने वाला हूँ डॉट NQ की जगह, और डॉट DQ की जगह डॉट पॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, जब हम अपनी खुद की यूज कर रहे होंगे तो डॉट NQ और डॉट DQ कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहला क्या काम करा हमने, ऐड कर दिया रूट को, अच्छा बहुत सही करा। अब लगाते हैं व्हाइल लूप, एक सिंपल सी, जब तक हमारी पेंडिंग नोड क्यू है
वो एम्प्टी नहीं होती, ठीक है, इज एम्प्टी फंक्शन वही सेम जो हमने यूज करा था क्यू में, एम्प्टी नहीं होती तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें फ्रंट एलिमेंट निकाल के सबसे पहले तो स्टोर करना है इसमें, इस वेरिएबल में इंटीजर, इसका नाम रख लो लेट से फ्रंट नोड नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो फ्रंट एलिमेंट होगा, फ्रंट एलिमेंट होगा वो इसमें रहेगा, ठीक है। तो क्या थी हमारी पेंडिंग, पेंडिंग नोड थी, इसमें से पोल कर लिया। अच्छा डी क्यू की जगह हम यहाँ पे आप पोल कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, वहां पे डी क्यू कर रहे थे, यहाँ पे पोल कर रहे हैं, सेम ही चीज है दोनों, ठीक है लगभग। चलो अब एक एक आउटपुट दे देते हैं यूजर को कि भाई एंटर करो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ किसके, इस फ्रंट नोड के, ठीक है, इस फ्रंट नोड के कितने चिल्ड्रन होंगे ये बताओ मेरे को। चलो हम ट्राई रन करके देखेंगे कोड को, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो तो लेट से उसने बता दिया कितने नोड होंगे, तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं इस नम चाइल्ड में, ठीक है, एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, इसमें हमने इसको स्टोर करके रख लिया। अच्छा हमारे पास अब पता चल गया कितने हमारे पास वो होंगे, कितने चाइल्ड होंगे। अब लूप चला दो जितने चाइल्ड हैं उतनी बारी, क्योंकि अब सबको हम ऐड करने वाले हैं इस रूट नोड के साथ, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम चिल्ड्रन आई प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो एक आउटपुट दे देते हैं, क्या बोलेंगे यूजर को कि एंटर, ठीक है, एंटर आई प्लस वन एथ, आई प्लस वन एथ चाइल्ड ऑफ व्हाट, अवर फ्रंट नोड, राइट, फ्रंट नोड, हमारे फ्रंट नोड का जो डाटा है उसका आई प्लस वन एथ चाइल्ड का वैल्यू डालो। अच्छा ये स्पेलिंग चाइल्ड की तरह तो वही, ठीक है ये डालो। अच्छा फिर यूजर क्या करेगा, यूजर क्या करेगा, यूजर हमें इनपुट देगा तो वो हम स्टोर कर लेंगे इस चाइल्ड में, ठीक है, इस चाइल्ड में हमने स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, फिर से एक नोड बनाएंगे विच हैज, अच्छा ये दो बार इंट आ गया यहाँ पे, सॉरी, विच हैज डाटा इक्वल टू सेम एज दिस चाइल्ड, सो सॉरी यहां से कॉपी मार लेता हूँ जल्दी से, इसका नाम रख देते हैं चाइल्ड नोड, इसका नाम रख लिया हमने लेट से चाइल्ड नोड, और इसके अंदर क्या डालेंगे, चाइल्ड की वैल्यू, ठीक है। और क्या करेंगे हम, जो हमारा फ्रंट नोड है उसके जो चिल्ड्रन है उसमें ऐड कर देंगे क्या, ये चाइल्ड को, ठीक है, ये चाइल्ड को ऐड कर देंगे, चाइल्ड एक्चुअली चाइल्ड नोड को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो ये भी कर दिया हमने, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि जो हमारी पेंडिंग नोड जो क्यू है उसमें भी हम ये चाइल्ड नोड को सॉरी ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ऐड चाइल्ड नोड, बस इतना ही करेंगे, और ये फाइनली हम जब इससे निकल जाएंगे तो रूट को रिटर्न कर देंगे, और आई थिंक ये हमारा बन के रेडी हो गया है टेक इनपुट लेवल वाइज फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, चलो ड्राई रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो लेट्स से हमको ये ट्री बनाना है फिर से, ठीक है, सेम ही ट्री बना रहे हैं फिर से, चलो कैसे बनाएंगे देखो, उस कोड के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये हमारा रूट है, चलो फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हमने ये कॉल करा फंक्शन, यहाँ पे आए हम, ठीक है, तो स्कैनर से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया रूट, फिर एक ना यूजर से बोल दिया कि एक यूजर से बोल दिया कि अच्छा यहाँ पे एक रिवॉर्ड दे देते हैं कि भाई डाटा दे दे, यहाँ पे भी एक आउटपुट प्रिंट कर देते हैं, कुछ प्रिंट कर देते हैं यूजर से कि भाई एंटर क्या रखें, रूट डाटा, ठीक है ये बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो ये स्कैनर क्लास का ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे हमारे पास आएगा कि भाई एंटर करो रूट डाटा,
तो हम एंटर कर देंगे रूट डाटा। रूट डाटा क्या होगा हमारा, वन। तो हमने एक रूट डाटा वेरिएबल बनाया, उसमें हमने वन स्टोर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू बना रहे हैं। ठीक है, हमने क्यू बना ली, किस टाइप की, ट्री नोड टाइप की क्यू बना ली। अच्छा, यहाँ पे हमने क्यू बना ली। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रूट नोड बना रहे हैं विच हैज डाटा इक्वल टू दिस रूट डाटा। तो अब एक रूट नोड बनाई विच हैज डाटा इक्वल टू रूट डाटा, रूट डाटा क्या है, वन। तो हमने ये बना ली। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं इसमें। तो हमने ये ऐड कर दिया अपने क्यू में। अच्छा, अब ये हम वाइल लूप में आ गए, यहां तक कर लिया। अब हम इस वाइल लूप में आ गए। इस वाइल लूप में क्या कर रहे हैं, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, ये पेंडिंग नोड वाली क्यू एम्प्टी नहीं है, तब तक हम इसमें हैं। चलो, तो अभी तो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रंट से निकाल रहे, फ्रंट जो यहां से पोल कर रहे हैं, डेट इज डी क्यू कर रहे हैं, और उसे एक फ्रंट नोड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ट्री नोड टाइप का वेरिएबल है, तो ये फ्रंट नोड टाइप का वेरिएबल है, इसमें हमने वन को स्टोर कर लिया, ये नोड को। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई एंटर करो नंबर ऑफ चाइल्ड फॉर फ्रंट नोड। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे डाटा होना चाहिए, वरना कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट डाटा होना चाहिए। चलो चलो चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डाटा, तो यहाँ पे कुछ आएगा प्रिंट की एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वन। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वन, वन इज इसका डाटा। तो हम कहेंगे भाई इसके तो तीन चिल्ड्रन होने चाहिए, विच इज टू थ्री और फोर। ठीक है, तो हम इनपुट दे देंगे इसको तीन। चलो, फिर क्या करेंगे, हम तीन बार ये लूप चलाएंगे, फोर लूप, क्योंकि तीन चिल्ड्रन है, तो तीन बार लूप चलाएंगे और जीरो से लेके जीरो वन टू। ठीक है, ये आई की वैल्यू रहेगी हमारी। हम क्या कहेंगे, एंटर आई प्लस वन, आई प्लस वन यहाँ पे जीरो है, तो वनथ चाइल्ड डाटा, वन एथ चाइल्ड डाटा ऑफ रूट। ठीक है, तो वन एथ चाइल्ड डाटा क्या है, ये टू। इसका फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड का क्या डाटा है, टू। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, वन एथ चाइल्ड का डाटा क्या है, लेट मी रब दिस। ठीक है, वन एथ चाइल्ड का डाटा क्या है, फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड का डाटा क्या है, टू। तो टू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस चाइल्ड में स्टोर कर रहे हैं, और ये चाइल्ड नोड बना रहे हैं इसकी, विच इज इक्वल टू टू, और इसे कनेक्ट कर रहे हैं विद अवर फ्रंट नोड। तो हमारी फ्रंट नोड क्या है, वन, तो इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम इसको इसमें एन क्यू कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे ऐसे एन क्यू कर रहे हैं इधर। ठीक है, चलो, इतना तो समझ में आता है। अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद फिर से हमारा लूप चला रहे हैं। तो अब वो बोलेगा कि सेकेंड चाइल्ड का डाटा बताओ, तो सेकेंड चाइल्ड का डाटा क्या है, थ्री। तो इसे चाइल्ड वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, थ्री। ठीक है, फिर चाइल्ड नोड बनाएंगे, which will look something like this, ठीक है? फिर क्या करेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, तो चाइल्ड नोड को इससे कनेक्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे इसका एड्रेस यहाँ पे एनक्यू कर देंगे। ठीक है, चलो, सिमिलर स्टेप करते रहेंगे इस फोर लूप में, और ऐसे यहाँ पे हम फोर भी बना देंगे। ठीक है, और फोर को यहाँ पे पुल कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, सिंपल टू को डी क्यू करेंगे, और टू से पूछेंगे कि कितने इसके चाइल्ड हैं, वो बोलेगा जीरो, तो कुछ नहीं करेंगे। फिर थ्री को पोल करेंगे, तो थ्री पोल करा हमने, थ्री के कितने चाइल्ड हैं, थ्री के टू चाइल्ड हैं, तो ऐसे इसको करके अपना ट्री बना के रेडी कर देंगे। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा ये कोड कैसे रन कर रहा है। और एट फाइनली हमारा रूट नोड तो यही था, तो इसका एड्रेस जो है रिटर्न कर देंगे, और दिस विल गिव अस अवर ट्री। ठीक है, बट इस केस में हमने कैसे करा, इस केस में हमने लेवल वाइज लिया। ठीक है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। चलो, तो आई थिंक तुमको समझ में आया होगा हमने कैसे लिया। इसको प्रिंट करके देखते हैं, हम अपने रिकर्सिव वे में ही प्रिंट कर रहे हैं, पर प्रिंट तो एट द एंड तो सेम ही आएगा, तो प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा ये ट्री बना है या नहीं बना। चलो, उसे रन करके देखते हैं फटाफट। चलो, तो रन करते हैं, इस बार लेवल वाइज देते हैं इनपुट यूजर को। ठीक है, तो क्या ट्री बनाते हैं हम, यही ट्री बनाते हैं फिर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। चलो, तो एंटर रूट डाटा, रूट डाटा क्या है हमारा, वन, वन डाल दिया। कितने चिल्ड्रन होने चाहिए वन के, तीन चिल्ड्रन होने चाहिए वन के। फर्स्ट चिल्ड्रन का क्या क्या वैल्यू है, फर्स्ट चिल्ड्रन का वैल्यू है टू। ठीक है, सेकंड चिल्ड्रन का क्या वैल्यू है वन का, सेकंड चिल्ड्रन का वैल्यू है थ्री। थर्ड चिल्ड्रन का क्या वैल्यू है, थर्ड चिल्ड्रन का वैल्यू है फोर। ठीक है, अब करो एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ टू। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, देखो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, अब ये पूछ रहा है कि इसके कितने चाइल्ड होने चाहिए, इसके कितने चिल्ड्रन होने चाहिए। तो इसका जीरो चिल्ड्रन होने चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई इसका एक भी चिल्ड्रन नहीं चाहिए हमको। ओके, सही है। अब कह रहा है कि इसके कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, इस नोड के कितने चिल्ड्रन होने चाहिए,
इसके दो चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देंगे भाई दो चिल्ड्रन होने चाहिए इसके, ठीक है। तो पहले चिल्ड्रन की वैल्यू बताओ, पहले चिल्ड्रन की वैल्यू बताओ, तो पहले चिल्ड्रन की वैल्यू है 5, ठीक है, पहले चिल्ड्रन की चाइल्ड की वैल्यू है आई मीन 5, तो हम यहाँ पे वैल्यू पूछिए ना इसने, तो हम यहाँ पे 5 करके एंटर कर देंगे, ठीक है। सेकंड की बताओ, सेकंड की है 6, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ 4, तो अब पूछ रहा है कि इसके चाइल्ड बताओ कितने हैं, इसके चाइल्ड है भाई हमारे पास कितने हैं, 0 चाइल्ड है, ठीक है, एक भी चाइल्ड नहीं है, रूट लीफ नोड है, ठीक है। चलो अब पूछ रहा है कि 5 के बताओ कितने हैं चिल्ड्रन, 5 है ये, तो इसके कितने हैं, 0 हैं अगेन, ठीक है, तो हम 0 दे देंगे। अब ये पूछ रहा है हमसे 6 के बताओ, 6 के भी 0 हैं। अब जैसे ही मैं इसको 0 दूंगा, ये हमारा रूट नोड डेट इज ये वाला रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये रूट नोड है रिटर्न कर देगा और प्रिंट कर देगा। तो चलो फटाफट से प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो 0 करके एंटर कर दिया मैंने और ये हमारा प्रिंट हो गया ये, ठीक है। ऑल्दो ये रिकर्सिवली फंक्शन यूज करके प्रिंट हुआ है, ठीक है, तो पर फिर भी देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि 1 के 3 चाइल्ड है 2, 3, 4, ठीक है, 1 के 3 चाइल्ड है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2 का एक भी चाइल्ड नहीं है, 2 का एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, 2 हैज नो चाइल्ड, 2 इज अ लीफ नोड, 3 के 2 चाइल्ड है 5, 6, 3 के 2 चाइल्ड है 5, 6, 4 के कितने, 5 के कितने चाइल्ड है, 5 के कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, 6 के कितने चाइल्ड है, 6 के एक भी चाइल्ड नहीं है, 4 के कितने चाइल्ड है, 4 के एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये देखो कुछ इस तरह से प्रिंट हुआ है, मतलब प्रिंट समझ में आ रहा है कि हमने ये प्रिंट कर दिया, बट सीन क्या है, हमने इनपुट तो ले लिया लेवल वाइज, क्या हम प्रिंट भी कर सकते हैं लेवल वाइज, लाइक ऐसे कि 1 के कितने चाइल्ड है, 1 के 3 चाइल्ड है, 2, 3, 4, ठीक है, 2 के कितने चाइल्ड है, 2 के 0 चाइल्ड है, ठीक है, लेवल वाइज चल रहा है, पहले ये प्रिंट हुआ, फिर इसके प्रिंट हुए, फिर 3 के प्रिंट कितने चाइल्ड है, 3 के 2 चाइल्ड है, विचार 5, 6, ठीक है, फिर हमने 3 के बाद क्या प्रिंट, किसके चाइल्ड बताने शुरू कर दिए, 5 एंड फिर 6, हमें जबकि 4 के बताने चाहिए, ठीक है, तो हमको अपना प्रिंट फंक्शन अब कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना है कि अब वो 3 के बाद बजाय 5 के चाइल्ड्स बताने के 4 के बताए, क्योंकि 4 लाए ऑन द सेम लेवल लाइक 3, राइट, विच इज लेवल नंबर 2। तो अब हमारा प्रिंट जो है कुछ इस तरह से मॉडिफाई होना चाहिए कि अब ये 5 के चाइल्ड बताने की जगह बजाय पहले 4 के बताए, विचार 0 की कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद 5 के बताए, उसके बाद 6 के बताए, तो कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा अगर हम लेवल वाइज प्रिंट करेंगे। ये हमने लेवल वाइज प्रिंट नहीं करा है, रिकर्सिवली डेप्थ वाइज प्रिंट करा है, ठीक है, हाइट के वाइज, ओके। तो हमें अपना प्रिंट फंक्शन और मॉडिफाई करना है, मैं चाहता हूं कि ये तुम खुद ही मॉडिफाई करो, क्योंकि तुमको ये लेवल वाइज लेना आ गया, इनपुट लेना आ गया, तो तुम प्रिंट भी कर दोगे, सेम ही अप्रोच लगनी है, क्यू ही यूज होनी है, ठीक है, क्यू यूज होनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से ट्राई करो, ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।